प्रवासियों को अपने घर लाने को लेकर कांग्रेस द्वारा हर जिले में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बाड़मेर प्रभारी ठाकरा राम माली ने जिलाध्यक्ष फतेह खान के साथ स्टेशन रोड पर हेल्पलाइन कार्यालय प्रारंभ किया, जहां पूरी टीम के साथ प्रवासियों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित किया है और लॉकडाउन के 50 दिन से अधिक समय बीत चुका है। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के लाखों प्रवासी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और घर जाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और ये नोडल अधिकारी अपने जिले के प्रवासियों के लिए एक हेल्पलाइन का काम करेंगे और जिले के स्थानीय लोग जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनकी सूची तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, जिसके बाद सरकार के समन्वय स्थापित कर प्रवासियों को होम डाउन लाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बाड़मेर जिले में ठाकरा राम माली को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सोमवार को स्टेशन रोड स्थित हैंडलूम के सामने ठाकरा राम माली ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिले में एक कोऑर्डिनेटर तय किया है, उसके अनुसार बाड़मेर जिले के कोऑर्डिनेटर ठाकरा राम पूर्व जिलाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस को बनाया गया। ये एक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वार रूम का स्थापना की गई है, जिसमें जितने भी प्रवासी जो बाहर के लोग बाड़मेर में काम करते हैं और बाड़मेर के लोग जो बाहर काम करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए लिस्टेड किया जा रहा है पार्टी की तरफ से और हर तरह से उनकी हेल्प की जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में घोषित हुए लॉकडाउन के बाद प्रदेश भर में मजदूर एवं हजारों लोग अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। डेढ़ महीने से लंबे लॉकडाउन के बाद उनके हालात अब नासाज बनने से जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन प्रवासियों को सूचीबद्ध करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो प्रवासियों की सूचियां बनाकर प्रदेश कार्यकारिणी तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों से बातचीत कर प्रवासियों को उनके होम टाउन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।